कुरान को बैठकर पढ़ सकते हैं, लेटकर पढ़ सकते हैं, कुरान को खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं, बैठकर भी पढ़ सकते हैं, लेटकर भी पढ़ सकते हैं। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में अल्लाह के नेक बंदों की सिफत बयान की, अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़याम वक़ूदं वला जुलूसं, कि अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े से, बैठे से और करवटों पर। अल्लाह का जिक्र करते, अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़याम, खड़े होकर जिक्र करते, क़ूदं बैठ के करते, हाँ वजनू और अपने करवटों पर अल्लाह का जिक्र करते। जैसे पता चला कुरान अल्लाह का अफजल जिक्र है, तो खड़े रहकर भी पढ़ते, उसको बैठ कर भी पढ़ते, हालत मजबूरी लेट कर भी पढ़ा जाता होता है। बीमार इंसान लेटा है, कुरान रखा हुआ पढ़ बैठ कर पढ़ूंगा तो एक पारा पढ़ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा लेट कर पढ़ता हूँ तो तीन चार पारे पढ़ ले तो दिन भर में इतना टाइम लेट कर, क्योंकि आप ज्यादा अल्लाह के कलाम की तिलावत करना चाहते हैं। इसके अदब और अदबी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से माँ आयशा फरमाती है, मैं हायजा होती है इसकी हालत में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक मेरे रान पर, मेरे मांझी पर रखते और आप कुरान की तिलावत कर रहे होते और मैं सुन रही, तो नबी लेट कर पढ़ रहे हैं माँ आयशा के रान पर, मांझी पर सर, और माँ आयशा हायजा है इसकी हालत पर उसने। तो मसला पता चला कोई हायजा औरत उसका शोहर बेटा वगैरह पढ़ ले तो बिल्कुल सुन सकती है, उसको भागने की जरूरत नहीं वहां से निकल। सेकंड, एक आदमी लेट कर पढ़ सकता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट कर पढ़ रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है कि रात के वक्त उठते हैं तहज्जुद के लिए, उठकर बिस्तर से निकलते हैं, घर से बाहर जाते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और सूरतुल आले इमरान की आखिरी 10 आयतें तिलावत, और उसके बाद वजू करते और उसके बाद नमाज। तो बगैर वजू के आप तिलावत की, फिर आके वजू किया, फिर तहज्जुद की नमाज, तहज्जुद की नमाज के बाद फजर की अज़ान होती, फजर की 2 सुन्नत पढ़ गया मस्जिद में, फजर की नमाज ये मामूल था। तो पता चला बगैर वजू के पढ़ा, लेट कर अच्छा बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताऊन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।